ताप्ती पब्लिक स्कूलमध्ये गुरुपौर्णिमा उत्साहात साजरी. भुसावळ येथील ताप्ती पब्लिक CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये गुरुपौर्णिमा उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी गुरुपौर्णिमेवर सचिव देखावा व नाटिका सादर केले. शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांनी गुरुवर्य शिक्षकांना गुलाब पुष्प देऊन गुरुपौर्णिमा साजरी केली. यावेळी शाळेच्या प्रिन्सिपल नीना कटलर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की गुरुविना ज्ञान नाही, गुरुविना शिक्षा नाही. आपला सर्वात मोठा गुरु म्हणजे आपले आई वडील हे होय. आई वडिलांचा सन्मान करा हीच करीत गुरुदक्षिणा आहे. यावेळी शाळेच्या उपमुख्याध्यापिका श्रद्धा अली घुले, मनप्रीत कौर, प्रतिभा काकडे, जयश्री मोरेसकर, गायत्री घिरणीकर, आरती पाचपांडे, शीतल बुला, माया सोनवणे, किरण तांबेकर यांनी परिश्रम घेतले. बघत रहा MH19 न्यूज. मुख्य संपादक श्रीकांत वानखेडे, ब्युरो चीफ जोहेत सय्यद सोबत मी माधुरी ढोले, जळगाव जिल्हा, महाराष्ट्र. धार्मिक और पौराणिक कथाओं के अनुसार आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था. इनकी जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णिमा के तौर पर हर साल हमारे विद्यालय में मनाया जाता है. आज हमारे विद्यालय में गुरु के सम्मान हेतु हमारे छात्र छोटी सी गतिविधि मनाई थी. उसमें उन्होंने भाषण, काव्य वाचन और तथा जो पुरानी जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उस गुरुकुल शिक्षा पद्धति की पाठशाला का उन्होंने छोटी सी झांकी दिखाई थी. गुरु के सम्मान के प्रति मैं एक कहना चाहती हूँ कि गुरु वे होते हैं जो अंधकार में प्रकाश लाते हैं, अज्ञानता को दूर करते हैं और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं. संत कबीरदास जी के जो गुरु के ऊपर जो दोहे गाए उसमें से एक दोहा मुझे अभी भी याद है कि हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं और. अथवा अगर भगवान अगर रूठ जाते हैं तो हमें गुरु शरण में ले लेते हैं, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो हमें किसी की शरण संभव नहीं है.